नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक अध्याय के अंतर्गत एमीन्स के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। इस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम एमीनों के संबंध में इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे, जिनके प्रथम व्याख्यान में अर्थात भाग एक में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के अर्थात एमीन्स के सामान्य परिचय, एमीन्स का वर्गीकरण, एमीन्स की संरचना और एमीन के नामकरण का अध्ययन आज के इस भाग में हम करेंगे। आइए देखते हैं कि एमीन्स का सामान्य परिचय क्या है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं और अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल और एलिल समूहों के प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, एमीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमीन। अमोनिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है NH3। अमोनिया में तीन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यदि प्रथम हाइड्रोजन परमाणु को हम एक R द्वारा प्रतिस्थापित करें, यानी इसमें से एक H कम कर दें, तो रह जाएगा NH2। यह क्या रह जाएगा? NH2। और R को हम कहते हैं, यहां पे भी देख लें R, तो NH2 ये रह गया एक एच कम करने से और R अटैच हो गई, तो फॉर्मूला बन गया हमारा जनरल फॉर्मूला एमीन का RNH2। एमीन का सामान्य सूत्र क्या बन गया? RNH2। जब एक एच को एक R द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो जो एमीन प्राप्त होती है उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं, इसे 1° एमीन भी कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम देखें कि अगर हम अमोनिया में से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को दो R अर्थात एल्किल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो दो एल्किल समूह हमारे NH से जुड़ जाएंगे, क्योंकि NH3 में से दो H कम करेंगे तो NH बचेगा और दोनों एल्किल समूह हमारे किससे जुड़ जाएंगे? NH से, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, तो सेकेंडरी अमीन बनेगी 2° अमीन। उसी प्रकार इसका हम एग्जाम्पल देखें तो क्या बनेगा? आर के स्थान पर CH3 ले लें, क्योंकि आर हमारा क्या होता है? एल्किल समूह होता है। आर क्या होता है? एल्काइल या एल्किल ग्रुप होता है। प्रथम आर हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं CH3 होती है, तो प्रथम आर यानी पहला सदस्य एल्किल समूह का CH3 होता है। तो एग्जांपल में हमने आर के स्थान पर CH3 रखा तो CH3 का होल ट्वाइस NH, ये हमारी द्वितीय एमीन है। इसी प्रकार यदि तीन एच परमाणुओं को तीन एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें टर्सरी एमीन 3° एमीन, जिसे हिंदी में तृतीय एमीन कहते हैं, CH3 का होल थ्राइस N प्राप्त होता है, अर्थात R3N सूत्र के यौगिक प्राप्त होते हैं जिन्हें हम तृतीय एमीन कहते हैं। इनको स्ट्रक्चर वाइज अगर हम समझें तो कैसे देखेंगे? देखिए अमोनिया, हम जानते हैं कि अमोनिया में तीन हाइड्रोजन होते हैं, वैसे तो इसकी संरचना प्रिमिडी होती है। कैसी होती है? प्रिमिडी। हम यहां संरचना प्राइमरी न बनाकर एक समझने के लिए सामान्य संरचना बना रहे हैं, आगे हम संरचना का भी जिक्र करेंगे तब इसको प्राइमरी कैसे होती है, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की जो अटैच है नाइट्रोजन से उनके बीच कितना कोण होता है, कितना एंगल होता है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि अमोनिया से तीन हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार जुड़े होते हैं और अमोनिया के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर हम इसमें से एक एच को विस्थापित करें जैसे हमने यहां किया था तो उसके स्थान पर क्या लग जाएगा? R। तो क्या बचेगा? देखें आप N और ये H और ये H और इसके स्थान पर लग गया R। इसको हम कहेंगे RNH2। ये रहा, दैट इज प्राइमरी एमीन। ये कौन सा एमीन है? 1° एमीन, प्राइमरी एमीन। यदि हम इसके साथ ही इस प्रकार की संरचना बनाएं कि नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस प्रकार और इनमें से दो हाइड्रोजन परमाणु ये वाला और ये वाला R से विस्थापित हो जाए तो आप देखना इस प्रकार हो जाएगा, ये H लगा रहेगा और ये R हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा? R2NH यानी R का होल ट्वाइस NH। इसको इस प्रकार भी हम बनाए कि अमोनिया से अमोनिया में इस प्रकार यदि H लगे हो, इस प्रकार देख लीजिए। और तीसरे स्टाइल से हमने बनाया है इसके तीनों R, यदि तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि हम R से प्रतिस्थापित कर दें तो R का होल थ्राइस N, इस प्रकार R3N टर्सरी एमीन बन जाएगा। तो हमने आज क्या सीखा कि एल्किल एमीन कहते हैं इनको। एक और बात बताएंगे,
कि हमने यहां एल्किल समूह के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया है, अतः इनको हम एल्किल अमीन कहते हैं। परिचय के साथ साथ हमने यहां वर्गीकरण पर भी ध्यान दिया कि वर्गीकरण क्या किया कि अगर हम एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो एल्किल अमीन, और अगर हम एरिल समूह के द्वारा जो बेंजीन रिंग का समूह होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो एरिल अमीन कहलाएगा। परिचय में हमने क्या सीखा कि अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन होते हैं और अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्रम से एल्किल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम एमीन कहते हैं। एमीन सामान्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन में एक हाइड्रोजन परमाणु एक आर एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। द्वितीयक एमीन में दो एच परमाणु अमोनिया के दो एल्किल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, और तृतीयक एमीन में तीन हाइड्रोजन परमाणु अमोनिया के तीन एल्किल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। इनके सामान्य सूत्र क्रम से RnH2, R2nH और R3n होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज हमने यहां सीखा तो हमने जाना कि अमोनिया से एमीन को हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, किस प्रकार उनकी संरचना होती है। अब देखते हैं इनका वर्गीकरण। तो एमीन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, एल्किल अमीन, एरिल अमीन और एरिल अमीन। कौन सा? एरिल अमीन। आइए इनकी चर्चा करते हैं। हमने एल्किल अमीन सीखा क्या कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को हम एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एल्किल अमीन, और जब एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं इसे हम AR संक्षेप में कहते हैं तो एरिल अमीन कहलाता है। और इसी प्रकार हम एरिल अमीन को देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर एरिल अमीन क्या है। एरिल अमीन का मीन्स है जब हम अमोनिया के इन हाइड्रोजन परमाणुओं को क्रम से AR के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। AR मीन्स होता है C6H5। क्या होता है? C6H5, जिसे फेनिल नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस AR से यदि हम H परमाणुओं को क्रम से प्रतिस्थापित करें तो हमें एरिल अमीन प्राप्त होती है। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे वहां दिखा था एल्किल में, ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे एरिल में कि जब NH3 की एक एच कम होती है, यानी N, H, H और H, इसकी केवल एक एच यदि कम होती है ये वाली, तो हम इसकी स्थान पर लगा देते हैं AR, तो हो जाएगा AR NH2। ये वाला क्या हो जाएगा? AR और NH2। तो इसका एग्जाम्पल है एनिलीन C6H5NH2, क्योंकि AR के स्थान पर हमने C6H5 यूज किया, इसका नाम होता है एनिलीन। अब हम देखते हैं दूसरा, इसको फेनिल एमीन भी कहते हैं, फेनिल एमीन। अब हम देखते हैं कि 2H प्रतिस्थापित कर दें AR समूह से, तो AR का होल ट्वाइस NH सूत्र प्रकार की एमीन हमें प्राप्त होती हैं। इनमें हम AR के स्थान पर दिया C6H5, उसका ट्वाइस NH, तो डाइफेनिल एमीन। क्या बन गया? डाइफेनिल एमीन। अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहां देख लेते हैं कि कैसे समझेंगे डाइफेनिल एमीन को। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C6H5 एन, ऊपर एक एच जो बची थी ये। कैसे? NH3 में तीन एच थी, ये नाइट्रोजन में कितनी एच थी? तीन, 1, 2 एंड 3। दो एच को हमने इस AR समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो हमें बना C6H5 NH C6H5। उसको मैंने ऐसे लिख सकते हैं कि C6H5 का होल ट्वाइस NH, जिसे हम डाइफेनिल एमीन कहते हैं क्योंकि दो है फेनिल ग्रुप इसमें एमीन समूह से अटैच है। अगर हम देखें इसको द्वितीय एमीन भी कहेंगे, इसको तृतीय एमीन कहेंगे। इसमें क्या है कि C6H5 समूह द्वारा तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित किया है। मैंने लिखा है एरो लगाकर -3H+3Ar, तो Ar का होल 3N सूत्र प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, जिनमें अगर हम Ar के स्थान पर C6H5 यूज कर दें, यानी इस वाले के स्थान पर भी लिख सकते हैं C6H5, जब तीन C6H5 हो जाएंगी, क्या लिख सकते हैं? देखना मैं लिख देता हूं C6H5, तो तीन C6H5 हो गई तो ये ट्राइफेनिल हो गया, ट्राइफेनिल एमीन। तो हमने क्या सीखा कि एक और बात जान लेते हैं कि एरिल अमीन में यहां देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु अर्थात एमीन समूह, चाहे तो इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो। कैसे? ये जो एमीन समूह है वो जो बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन की से प्राप्त हुआ है C6H5 एरिल समूह, इसके sp2 संकरण संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है।
इसमें भी ऐसा ही होता है, sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है NH समूह, और इसमें ये नाइट्रोजन इसमें भी sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जबकि एल्किल अमीनों में एमीन समूह जो R है, इस R में जो कार्बन परमाणु है उस पर sp3 संकरण पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एल्किल अमीनों में एमीन समूह एल्किल समूह के कार्बन परमाणु पर पाए जाने वाले sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ता है। यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा है। जबकि एरिल अमीन में एमीन समूह उस कार्बन परमाणु से जाके जुड़ता है जिस पर sp2 संकरण पाया जाता है। ओके, एरिल एल्किल अमीन में क्या है, एरिल एल्किल अमीन का मतलब है जब बेंजीन बलय से जुड़े हुए पार्श्व श्रृंखला साइड चेन से जाकर एमीन समूह जुड़ता है तो उसे हम एरिल एल्किल अमीन कहते हैं। जबकि एरिल अमीन में उसी पार्श्व श्रृंखला से नहीं जुड़ा था, उसी मुख्य बलय से जुड़ा था NH2। यानी अगर हम इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाए तो बनेगी ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा हो गया बेंजीन। जब इस बेंजीन में से एक H परमाणु को कम कर लिया और यहां जाकर के NH2 जुड़ गया है एमीन समूह, तो ये बेंजीन के C6H5 ग्रुप अर्थात एरिल समूह से सीधा जुड़ा हुआ है बलय पे, तो बना एरिल अमीन। और जब बलय पे न जुड़ करके पार्श्व श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे कहते हैं एर एल्किल एमीन, जैसे बेंजिल एमीन। अगर हम यहां देखते हैं, ये भी हमारी पार्श्व श्रृंखला थी, यहां पर लगा हुआ था टोलुइन CH3, इसकी एक एच को कम करके NHCH3 जुड़ गया, एन मेथिल बेंजिल एमीन। ये नाम कैसे लिखा जाता है ये बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमने ये सीखा कि एर एल्किल अमीनों में बेंजीन बलय से जुड़ी हुई पार्श्व श्रृंखला पर अमीन समूह जुड़ा होता है तो एर एल्किल अमीन कहलाती है। इसमें क्या सीखा एरिल अमीन में कि जब बेंजीन बलय पर ही एमीन समूह जुड़ा होता है और एरिल समूह के कार्बन परमाणु जिस पर sp2 संकरण होता है उससे एमीन समूह जाकर के जुड़ता है तो एरिल अमीन, और जब एल्किल समूह से एमीन समूह जुड़ा होता है तो एल्किल अमीन। अमोनिया के सापेक्ष परिभाषा करते हैं, कर चुके हैं हम, क्या कर चुके हैं, एक क्विक रिविजन करते हैं कि जब अमोनिया के एक्स परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एल्किल अमीन, जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एरिल अमीन। एरिल अमीन का ही एक सेकेंडरी पार्ट हम कह सकते हैं एर एल्किल अमीन, जो हम लोगों ने सीखा। ये थे हमारे एमीन के परिचय एवं वर्गीकरण। देखते हैं द्वितीयक और तृतीयक एमीन में सममित एमीन और असममित एमीन कैसे होते हैं। सममित एमीन वे होते हैं जिनमें अमीनो समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाई मेथिल एमीन, जिसमें NH से एमिनो समूह से दोनों R CH3 के रूप में जुड़ी हुई है। अगर हम टर्शियरी एमीन में देखें तो तीन R होती हैं, CH3 CH3 और CH3, ये तीनों CH3 जुड़े हुए हैं। देखो आप, इसका मतलब ये सममित एमीन है। अगर हम AR के सापेक्ष देखें एरिल समूह में तो दोनों जुड़े हुए समूह हमारे C6H5 NH से जुड़े हैं, ये सममित एमीन है। सममित एमीनों का आशय हुआ जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं। असममित एमीन में अगर द्वितीयक एमीन है तो दोनों जुड़े हुए एल्किल समूह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ऊपर अगर CH3 तो नीचे C2H5। अगर टर्शियरी एमीन है तो तीन R हैं, तीनों एक दूसरे से भिन्न है, जैसे CH3 दो समान हो सकते हैं, एक डिफरेंट अवश्य होगा तो असममित एमीन। अगर एरिल समूह वाले हैं तो एक C6H5 और एक CH3, इस प्रकार के यौगिक जो असममित एमीन कहलाते हैं, और ऐसे यौगिक ये सममित एमीन कहलाते हैं। अब अगला टॉपिक सामान्य परिचय और वर्गीकरण के बाद आता है एमीन्स की संरचना। एमीन की संरचना को समझने से पहले हमें अमोनिया की संरचना ये वाली समझनी चाहिए। अमोनिया, जैसा कि हम जानते हैं, अमोनिया में एक नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन परमाणु अटैच होते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच 106.7 डिग्री का कोण होता है और अमोनिया की संरचना पिरामिडी होती है। अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु के पास होता है उसके अतिरिक्त ये जो तीन हाइड्रोजन परमाणु अटैच होते हैं ये नाइट्रोजन परमाणु के sp3 संकरित कक्षकों से हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु के पास sp3 संकरित कक्षक होते हैं।
कौन से कक्षक ऑर्बिटल होते हैं? sp3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हम देखते हैं जब इस अमोनिया की हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह से हम प्रतिस्थापित करते हैं तो एमीन प्राप्त होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी अमोनिया की स्ट्रक्चर है प्राइमरी, वही हमारी एमीन्स की स्ट्रक्चर होगी प्राइमरी। तो एमीन्स की आकृति कैसी होती है? प्राइमरी होती है। अब ये भी जान लेते हैं कि अमोनिया की आकृति चतुष्फलकीय क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें जो आवंत कोण का मान होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण पाया जाता है जिसके कारण आवंत कोण कम भी हो जाता है। अतः इसकी प्रकृति चतुष्फलकीय की बजाय प्राइमरी होती है, इसलिए एमीन्स भी प्राइमरी होते हैं। एमीन्स में अगर हम देखें 1 डिग्री एमीन को, यहां पे अगर हम 1 डिग्री एमीन को देखते हैं तो एक एच को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहां एल्किल समूह जो CH3 के रूप में हो सकता है, C2H5 के रूप में हो सकता है, उसके कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। तो इस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से नाइट्रोजन परमाणु का sp3 संकरित कक्षक जुड़कर सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एकल बंध बनाता है। इस प्रकार 1 डिग्री एमीन की संरचना भी प्राइमरी हो जाती है, अर्थात यहां पर भी एकल बंध था तो यहां पर भी एकल बंध ही रहता है, जिस कारण से सेम स्ट्रक्चर अमोनिया से 1 डिग्री एमीन की बनती है। 2 डिग्री एमीन में भी दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं 2R के द्वारा इस तरह से, तो सेम संरचना रहती है। अंतर क्या होगा हम बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या अंतर रहेगा और इसमें क्या अंतर रहेगा। अभी हमने देखा कि sp3 नाइट्रोजन का ऑर्बिटल एल्किल समूहों के sp3 ऑर्बिटल्स के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। ऐसा ही 3 डिग्री एमीन में तृतीय एमीन में होता है। अंतर यह आता है कि आवंत कोण का मान अमोनिया से 3 डिग्री, ये रहा R3M, 3 डिग्री एमीन तक बढ़ता है, अर्थात अमोनिया में यह आवंत कोण का मान 106.7 डिग्री होता है, वहीं 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स में इस आवंत कोण का मान 107 डिग्री हो जाता है, जो 3 डिग्री अर्थात टर्शियरी एमीन में 108 डिग्री का कोण हो जाता है। आवंत कोण का मान क्रम से अमोनिया से 3 डिग्री एमीन तक बढ़ता है। इस प्रकार एमीन्स की संरचना संक्षेप में हम कह सकते हैं प्राइमरी होती है और इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। एक बात और जानेंगे कि जब इस R के स्थान पर किसी में भी इसमें अथवा इसमें जब AR एरिल समूह जुड़ता है, पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो AR जो होता है उसमें यहां पर R के स्थान पर हम AR लिख देंगे, यानी N और ये AR और ये रहा R और ये मान लेते हैं H, 2 डिग्री की बात करते हैं, तो इस AR के पास sp2 संकरण होता है और इस नाइट्रोजन के पास sp3 संकरित कक्षक होते हैं, तब sp2 संकरित कार्बन परमाणु से ये नाइट्रोजन परमाणु जाकर के जुड़ जाता है, तब वहां सिंगल बॉन्ड बनता है। तो हमें जानना है कि एरिल समूहों में sp2 संकरित से और एल्किल समूह में sp3 संकरित कार्बन परमाणु से यह नाइट्रोजन परमाणु जुड़ता है। ये एमीन्स की संरचना थी। अब देखते हैं एमीनों का नामकरण। एमीनों के नामकरण की दो पद्धतियां हैं, जैसा कि सभी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धतियां होती हैं, एक सामान्य पद्धति एक IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति को बाद में देखते हैं, पहले सामान्य पद्धति जो पुरानी पद्धति है हमारी, उसके अनुसार एमीनों का नामकरण करते हैं। एमीन या तो एल्किल एमीन होंगे या एरिल एमीन होंगे, जैसा कि हमने अभी वर्गीकरण में और परिचय में सीखा। एल्किल एमीन वे एमीन होते हैं जिनमें अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और इन एल्किल एमीनों को हम तीन भागों में बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, बांट सकते हैं। पहले होते हैं RNH2 यानी प्राथमिक एमीन, दूसरे होते हैं R2NH सेकेंडरी एमीन, और तीसरे होते हैं R3N टर्शियरी एमीन। ये तीनों एल्किल एमीन है। अगर हम एरिल एमीनों की बात करें जिनके फॉर्मूला इधर साइड लिखे हुए हैं, उनमें इस R के स्थान पर AR आ जाता है, C6H5 आ जाता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं होता। अब इनका सामान्य नाम लिखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जैसे ये होते हैं अर्थात एल्किल एमीन, तो वैसा ही इनका नाम है। एल्किल एमीन की एल्क का नामकरण हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर करते हैं,
जैसे CH3NH2 एक एग्जांपल लिया पहला, इसमें एक कार्बन है मात्र वन, कार्बन कितना है वन, NH2 की वजह से ये एमीन है क्योंकि इसका फॉर्मूला RNH2 से मैच कर रहा है, तो ये एमीन समूह है। इसमें एक कार्बन की है इसलिए इसको हमने लिख दिया मेथिल एमीन। यही देखते हैं कि अगर इसमें होता CH3CH2NH2 दो कार्बन होते तो नाम हो जाता मेथिल के स्थान पर एथिल एमीन। अगला देखते हैं, हमने बड़ा लिया है थोड़ा सा तीन कार्बन का, वन ये वाला, टू और थ्री, तीन कार्बन हमने गिने तो ये प्रोपिल एमीन है। चूंकि एक सीधी श्रृंखला में एमीन है, एक एमीन समूह NH2 से, यह कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला सीधी श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसको लिख दिया नॉर्मल प्रोपिल एमीन। बिकॉज प्रोपिल दो टाइप का होता है, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अगर आइसोप्रोपिल होती तो होता CH3 का होल ट्वाइस CH। देख लेता हूं आइसोप्रोपिल, बता देता हूं आपको कि CH3 यानी दो बार CH3 यानी ट्वाइस, और ये CH। अब कार्बन की बैलेंसी यहां तीन पूरी हुई है, वन टू और ये हाइड्रोजन से सिर्फ थ्री, एक बैलेंसी ये बच रही है। ये वाला समूह आइसोप्रोपिल समूह कहलाता है और ये जो गोले में मैंने बंद कर रखा है समूह ये प्रोपिल समूह कहलाता है, इसलिए इसका नाम हो गया एन प्रोपिल एमीन। अगर ये समूह इस NH2 से जुड़ा होता तो कहते आइसोप्रोपिल एमीन, यानी जोड़ देता हूं मैं NH2। अब इसका नाम है आइसोप्रोपिल एमीन। क्या नाम है? आइसोप्रोपिल एमीन। ओके, आगे देखते हैं। अगर दोनों आर समान प्रकार की हैं और दो आर लगी है, सेकेंडरी एमीन बनाया R2NH, यानी सेकेंडरी एमीन का नामकरण हम समान आर होने पर डाई लगाकर और डिफरेंट आर होने पर अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको फिर दूसरे वाले एल्किल समूह को लिखकर लिखते हैं। तो यहां दो आर हैं, दोनों CH3 हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डाइमेथिल एमीन। दोनों आर के स्थान पर दोनों जगह C2H5 होता है, यहां भी C2H5, यहां भी C2H5, तो इस मेथिल की जगह हम लिखते एथिल, डाई एथिल एमीन। अगला देखते हैं, दोनों आर डिफरेंट है, कैसी है? डिफर है, अलग अलग है, तो इसको कहेंगे एथिल, इसको कहेंगे मेथिल और ये NH समूह एमीन, तो नाम हो गया एथिल मेथिल एमीन। देखते हैं कुछ एरिल एमीन के नाम कर, अगर आर के स्थान पर AR आ जाए, C6H5 NH2 लगाए, तो हम नाम फेनिल लगाकर लिखते हैं फेनिल एमीन। दो बार आर आ गया, सेकेंडरी एमीन है ये, ध्यान से देखें, इसका मतलब डाई फेनिल हो गया, दो C6H5 तो डाई फेनिल एमीन। यहां हमने देखा ये कौन सी है, ये तीसरे प्रकार की एमीन हमने जो बताई थी एरिल एमीन। उसमें क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला के कार्बन परमाणु से NH2 जुड़ा होता है, C6H5 से ही जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको एरिल एमीन कहते हैं। ऐसी स्थिति में नामकरण बेंजिल एमीन लिखकर किया जाता है। अगला देखते हैं कि इसमें R3N है, ये वाला, यहां क्या किया, ट्रियो डिफर ले ली, ये मेथिल, ये फेनिल और ये एथिल। चूंकि ये फेनिल है तो ये फेनिल एमीन है, फेनिल एमीन में ही दोनों एच परमाणु बचे जो थे उनको क्रम से मेथिल एथिल से रिप्लेस किया, इसलिए ये दोनों प्रतिस्थापी मान लिए, नाम हुआ एथिल मेथिल फेनिल एमीन। एमीनों का नामकरण देखते हैं, जिसमें IUPAC पद्धति के अनुसार एमीनों का नामकरण कैसे किया जाता है, आइए देखें। IUPAC पद्धति में एल्केन की ई हटाकर, इस ई को हटाकर एमीन शब्द को जोड़ देते हैं, बन जाता है एल्केनेमीन। अब एल्केन क्या मतलब है कि जितने कार्बन परमाणु हैं उनके आधार पर हम एल्केन नाम लिख लेते हैं। सरल से शुरू करते हैं, सिंपल से, CH3NH2 इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मेथेनेमीन। दूसरा देखते हैं, इसमें दो कार्बन है, वन टू, तो इसका नामकरण हो गया एथेनेमीन। तीसरा देखते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन होने पर श्रृंखला में कार्बन परमाणु तीन होने पर हम प्रोपेन लिखते हैं, तो प्रोपेन में एमीन लगा दिया, नाम हो गया प्रोपेनेमीन। ये अगला देखते हैं, यहां आके समझेंगे सेकेंडरी एमीन में क्या होता है कि दो आर आ जाती हैं और NH समूह से जुड़ जाती हैं। दोनों आर जब समान प्रकार की होती हैं तो किसी को भी एल्केन मान सकते हैं,
जब दो आर होती हैं तो हम नामकरण एल्केनेमीन के साथ साथ इससे पहले दूसरी जो आर है, एक को तो हमने एल्केन मान लिया क्योंकि ये यहां पर चेन ब्रेक हो जाती है, बीच में नाइट्रोजन आ जाता है, लगातार कार्बन परमाणु नहीं होते, अतः इस दोनों को एक साथ नहीं गिन सकते, इनको एथेन नहीं कर सकते, बिकॉज एक अलग आर है, दूसरी आर अलग है, बीच में एनएच है, अतः हम इसको तो लिख देते हैं एल्केन और दूसरे को मान लेते हैं एल्किल। यहां समान है इसलिए चाहे किसी को मान लो, असमान होने पर एल्केन उसे मानते हैं जो आर बड़ी हो, अर्थात जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो हमने इसको बना दिया एल्केन यानी मेथेन, एक कार्बन की है, और दूसरी जो बची उसको कर दिया मेथिल। चूंकि यहां श्रृंखला ब्रेकअप है इसलिए इसका नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं करते, इसको एन लिख देते हैं क्योंकि एन से अटैच है, तो एन मेथिल मेथेनामीन। क्या नाम हुआ? एन मेथिल मेथेनामीन। इसको देखते हैं आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टर्शियरी अमीन है। कैसे? यहां बीच में ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से तीन आर लगे हैं, 1 2 एंड 3, तीनों आर डिफरेंट है, हालांकि दो सेम है पर तीसरी डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने पर हम उसको एल्केन सेलेक्ट करते हैं जिसमें कार्बन ज्यादा हो, तो अंडरलाइन मैंने किया है C2H5 को, तो इसको बनाएंगे एल्केन, अर्थात ये हो गया एथेन दो कार्बन की वजह से, तो हमने लिख दिया एथेन प्लस एमीन बराबर एथेनामीन। ये दोनों प्रीफिक्स होंगे, प्रीफिक्स होने पे हमने देखा कि दोनों एक जैसे हैं, मेथिल हैं, अतः हमने लिख दिया डाइमेथिल। अब इनकी नंबरिंग कैसे करें? एन एन डैश, यानी ये भी एन से अटैच है, दूसरी भी एन से अटैच है, तो एन एन डैश डाइमेथिल एथेनामीन। इसी प्रकार अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में नामकरण देखें तो इसको बेंजीन से बने हुए हैं एमीन, तो इसमें बेंजीन की लास्ट वाली ई को हटाकर एमीन जोड़ देते हैं, जैसे वहां एल्केन में से ई हटाई थी वैसे यहां पर बेंजीन की हटा देते हैं, अर्थात ये नाम बेंजीन में एमीन जोड़ दिया तो बेंजीनेमीन हो गया क्योंकि ये बेंजीन में लगा हुआ है। यहां देखा हमने कि पार्श्व श्रृंखला से अटैच है, इस नाइट्रोजन से मेथिल अटैच है, तो हमने लिख दिया एन मेथिल और ये बेंजीनेमीन नाम हो गया। इसको समझिए, यहां NH2 समूह के बाद CH3 समूह कितने नंबर पे है? ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 आ, जैसा कि पिछले अध्याय में अध्ययन हम कर चुके हैं कि नामकरण इस प्रकार करते हैं, इधर से कर सकते थे तो भी 1 2 3 4 आता है। मुख्य समूह हमारा अमीनो है, तो अमीनो को हमने 1 नंबर कार्बन दिया, अमीनो से जिस अमीनो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे 1 नंबर, और जहां CH3 कार्बन से जुड़ा उसे 4 नंबर, तो इसका नाम हो जाएगा 4-methyl। अब मुझे एन नहीं लिखना पड़ेगा, तो लिख गया हमने 4-methyl, और कितने हैं, क्या है ये? बेंजीनेमीन, तो 4-methyl बेंजीने, इसको बेंजीनामीन भी कहते हैं, ये इसका नाम हो गया। इस प्रकार हमने IUPAC पद्धति में अमीनों का नामकरण सीखा। इस अध्याय में हमने एमीन्स का सामान्य परिचय, एमीनों का वर्गीकरण, एमीन्स की संरचना और एमीनों का नामकरण साधारण और IUPAC पद्धति से करना सीखा। आशा है ये अध्याय आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आप इसके वीडियोस को देखिए और माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर इनके अपलोडेड किए हुए वीडियो को बार बार देखिए तो आपके अध्याय और अच्छे से समझ में आएगा। अपने नोट्स बुक पर, अपने उत्तर पुस्तिका पर आप इसके स्वलिखित नोट्स बनाइए और दीक्षा ऐप डाउनलोड करके इसका अध्ययन कीजिए। इस आज के व्याख्यान से संबंधित, इस अध्याय के प्रथम व्याख्यान से संबंधित कुछ गृह कार्य आपको दे रहा हूं, इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका पर करें। यह गृह कार्य आज पढ़ाए हुए विषय वस्तु से संबंधित है, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इसे आसानी से कर सकेंगे। देखिए आपको क्या गृह कार्य करना है कि निम्नलिखित यौगिकों को, ये जो चार यौगिक हमने आपके समक्ष लिखे हैं, इनको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में वर्गीकृत करें। हमने अच्छे से बताया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन, मुझे आशा है आप कर लेंगे। जैसे आप इसमें देखें ये NH2 लगा हुआ है, CH3 CH2 का होल ट्वाइस, तो इसको ऐसे पढ़िए CH3 CH2 CH2 NH2, नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन अटैच है, प्राइमरी एमीन है, IUPAC नाम आप कर लेंगे। इसी प्रकार ये देखिए CH3 NH, और उधर गया CH3 का होल ट्वाइस CH, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। इसी प्रकार आप इनके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में इनको वर्गीकृत करें, क्लासिफिकेशन इसका करें और साथ ही इनके IUPAC नाम लिखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा है आपका यह व्याख्यान समझ में आया होगा। अगले व्याख्यान में हम एमीन के विरचन की विधियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।